27 सितंबर से घोसीपुरवा मोहल्ले से तौहीद और तौसीफ नाम के दो बच्चों के लापता होने के 9 दिन बाद भी बच्चों के बारे में किसी भी तरह की सूचना न मिलने पर शनिवार को हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी के नेतृत्व में कमेटी के सदस्यों ने जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, तौहीद और तौसीफ के माँ बाप को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, मासूम बच्चों को जल्द से जल्द बरामद कराओ, बरामद कराओ। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले, मैं शाकिर अली सलमानी संरक्षक गोरखपुर, हमारे आज सबसे बड़ा मसला है गोरखपुर के अंदर बच्चे जो गायब हो रहे हैं। तौहीद और तौसीफ नाम के 4 साल और 6 साल के दो बच्चे गीता वाटिका घोसीपुरवा से पिछले जुमा के नमाज के बाद घर से खेलते हुए गायब हो गए और अभी तक उनका कहीं कोई पता नहीं है। गोरखपुर पुलिस का हाथ खाली है। हम इसकी मांग करते हैं कि गोरखपुर के अंदर पुलिस को अलर्ट किया जाए, हमारा बच्चा हो चाहे जसपाल सिंह का बच्चा हो, कोई भी गायब नहीं होना चाहिए। डीएम साहब कल गए थे घर पर, उन्होंने कहा है कि हम साथ में